मूवी शुरू होती है एक सीन से जहां एक आदमी जिसका नाम फ्रेंड होता है शिप से होकर एक टापू पर पहुंचता है। उसके साथ कैप्टन एक्सल और दो क्रूमैन होते हैं। वो देखता है कि उस टापू पे कोई भी पक्षी नहीं है और वहां की जमीन भी सूखी हुई है। उन्हें वहां एक कैबिन दिखता है और उसमें जाकर वो देखते हैं कि वहां चीजें बिखरी हुई हैं। फ्रेंड को खिड़की से थोड़ी दूर एक लाइट हाउस दिखता है। वो लोग उस लाइट हाउस के पास जाते हैं जहाँ उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आती है, लेकिन उनके बोलने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। फ्रेंड धक्का मार दरवाजा खोलता है तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रूनर है। उनकी बातों से पता चलता है कि कैप्टन एक्सल उस आदमी फ्रेंड को इस टापू पर छोड़ने आया है। फ्रेंड एक मौसम विभाग का ऑफिसर है जो एक पुराने ऑफिसर को रिप्लेस करने आया है। ग्रूनर उन्हें बताता है कि पुराना ऑफिसर टाइफस नाम की बीमारी से मारा गया है और उसे उसकी बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर एलेक्स फ्रेंड को छोड़कर अपनी टीम के साथ उस टापू से चला जाता है। कैबिन में फ्रेंड को पुराने ऑफिसर की एक फाइल मिलती है जिसमें उसे कुछ रहस्यमय क्रिएचर्स के बारे में पता चलता है। अगली सुबह वो खोजबीन में लग जाता है और उसे वहाँ बहुत सारी शेल्स दिखती हैं। वो एक दूरबीन से लाइट हाउस को देखता है जहाँ उसे ग्रूनर के साथ साथ एक और साया भी दिखता है। रात को उसके कैबिन के बाहर कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि यह ग्रूनर है, लेकिन तभी उसके दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ आता है। फ्रेंड डर जाता है और उसको पैरों से मारकर भगा देता है। उसे लगता है कि वो चीज उस पर हमला करने वाली है। वो भागकर बेसमेंट में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेंड बेसमेंट का दरवाजा खोल के देखता है और तभी एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंड उसे घायल कर देता है। फ्रेंड पूरी रात बेसमेंट में ही बिताता है। सुबह होते ही फ्रेंड बाहर आता है और वहाँ उन क्रीचर्स के पैरों की छाप देखता है। वो ग्रूनर के पास लाइट हाउस में जाता है और उसे बोलता है कि मुझे ऊपर आने दो, लेकिन ग्रूनर मना कर देता है। फ्रेंड वापस अपने कैबिन में आता है और खुद को क्रीचर से बचाने के लिए सारी खिड़कियां सील कर देता है। वो कुछ लकड़ियां और किताबें बाहर रखकर उनमें तेल डाल देता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनमें आग लगाई जा सके। कैबिन को सर्च करने पर उसे वहाँ एक बॉक्स में बंदूक मिलती है। रात को फ्रेंड लाइट हाउस की रोशनी से उन क्रिएचर्स को आते हुए देखता है और वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। वो सब फ्रेंड के घर की तरफ बढ़ते हैं। आगे वो फिर से फ्रेंड पर हमला करते हैं, लेकिन वो गन से उन्हें शूट करता है। काफी सारे क्रिएचर्स होने के कारण वो दूसरा तरीका आजमाता है और एक जलती हुई लकड़ी कैबिन के बाहर फेंक देता है जिससे वहाँ आग लग जाती है और क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते उसके पूरे घर में आग लग जाती है और वो वहाँ से बचकर निकल जाता है और एक जगह छुप जाता है। सुबह होती है और वो वापस अपने कैबिन में जाता है जो काफी जल चुका है। आगे हम देखते हैं कि वो ग्रूनर का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक झरने तक पहुंचता है। वहाँ उस पर एक क्रिएचर हमला करती है और फ्रेंड उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी ग्रूनर आके उसे रोक लेता है और बताता है कि वो खतरनाक नहीं है। वो फ्रेंड को अपने साथ लाइट हाउस में रखने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी सप्लाईज भी है। वो लोग लाइट हाउस में आते हैं और पिछले कई दिनों की थकान की वजह से करीब दो दिन तक फ्रेंड बेहोश रहता है। वो जागता है और देखता है कि उस क्रिएचर के चाटने से उसकी चोट ठीक हो जाती है। ग्रूनर उसे बताता है कि यह क्रिएचर उसकी पालतू है और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रात को ग्रूनर फ्रेंड के पास आता है और गन तैयार करने को बोलता है क्योंकि क्रिएचर्स के आने का समय हो चुका है। वो लोग लाइट हाउस की बालकनी में आते हैं जहाँ ग्रूनर हवा में फ्लेयर फेंकता है और उसकी पालतू क्रिएचर कुछ आवाज निकालती है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। ग्रूनर उन्हें गन से मारना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रेंड ये लड़ाई देखकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ग्रूनर उसे बेइज्जत करता है और उसे छोटे छोटे कामों में लगा देता है। फ्रेंड पानी लेने बाहर जाता है और आने के बाद देखता है कि ग्रूनर ने वो क्रिएचर अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए रखी होती है। रात को ग्रूनर फ्रेंड को क्रिएचर्स को मारने का एक और मौका देता है। वो फ्रेंड को बालकनी में छोड़कर अंदर से दरवाजे बंद कर लेता है। सुबह ग्रूनर बालकनी में जाता है जहाँ खून से लथपथ फ्रेंड बैठा हुआ है। ऐसे ही काफी हफ्ते बीत जाते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि शायद उसकी पालतू क्रीचर ही रो रोकर बाकी क्रीचर्स को बुलाती है, लेकिन ग्रूनर ये मानने से इनकार कर देता है। यहाँ यह भी पता चलता है कि क्रीचर्स ने कई हफ्तों से उन पर हमला नहीं किया है। फ्रेंड को उस क्रीचर से लगाव होने लगता है और वो उसे एक नाम देता है, एनेरिस। एक रात वो लोग चेस खेल रहे होते हैं तभी वहाँ क्रीचर्स उन पर हमला करते हैं। वो दोनों उनसे लड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रीचर्स होने की वजह से वो पीछे हट
हट जाते हैं और वापस अंदर आ जाते हैं। भागते हुए क्रीचर्स ग्रूनर के पैर को घायल कर देते हैं। सुबह होते ही वो क्रीचर्स वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह देखते हैं ग्रूनर के पैर से खून निकल रहा है और अनेरिस उसका खून चाट रही है। यहाँ पता चलता है कि उन दोनों का राशन और गोलियाँ भी खत्म होने वाली है। फ्रेंड बाहर जाता है तभी उसे एक शिप दिखाई देता है। वो ग्रूनर को बताते हैं और फ्लेयर्स ले आता है ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सके। ग्रूनर उसे किसी को भी बुलाने से मना कर देता है और फ्लेयर्स छीनने की कोशिश करता है। अनेरिस ग्रूनर पर गुस्सा करती है लेकिन ग्रूनर उसे वहाँ से भागने को बोलता है और यहाँ पता चलता है कि अनेरिस को भी फ्रेंड से लगाव होने लगा है। आगे सीन में देखते हैं कि अनेरिस एक जगह बैठी होती है तभी फ्रेंड उसके पास जाता है और उसे अपनी बनाई हुई एक बोट दिखाता है। वो देखकर अनेरिस उसे अपने साथ लेके जाती है और उसे एक असली बोट दिखाती है। फ्रेंड ग्रूनर को उस बोट के बारे में बताता है। ग्रूनर से बात करने पर पता चलता है कि कुछ समय पहले एक डायनामाइट स्मगलरों का शिप आया था लेकिन रात को वो सब मारे गए थे। फ्रेंड ग्रूनर को बताता है कि अगर हम डाइविंग सूट की मदद से समंदर में से वो डायनामाइट निकाल लेते हैं तो हम क्रीचर्स को मार सकते हैं, लेकिन ग्रूनर ऐसा करने से मना कर देता है और बताता है कि यह बहुत खतरनाक है। आगे ग्रूनर फ्रेंड और अनेरिस को रोमांस करते हुए देखता है और वो मन ही मन फ्रेंड से जलने लगता है। उसे लगता है कि डायनामाइट ढूंढते वक्त फ्रेंड खुद ही मारा जाएगा, इसलिए वो फ्रेंड की बात मान लेता है और उसे डायनामाइट की शिप पर चलने को बोलता है। फ्रेंड उस डाइविंग सूट को पहनकर नीचे समंदर में चला जाता है। वो वहाँ से काफी सारा डायनामाइट उठा लेते हैं। तभी वहाँ उसे एक क्रीचर दिखता है और वो डाइविंग सूट के साथ गिर जाता है। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी वहाँ एक क्रीचर का बच्चा आकर उसके सूट को खोल देता है और फ्रेंड ऊपर आ जाता है। वो दोनों डायनामाइट को हर जगह लगा देते हैं जहाँ से क्रीचर्स आते हैं। आगे कई बीत जाते हैं लेकिन कोई हमला नहीं होता है। तभी वहाँ अनेरिस उनके लिए खाने का सामान लेकर आती है लेकिन ग्रूनर उसे मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है अनेरिस ने ही अपने साथियों को चौकन्ना कर दिया है। आगे ग्रूनर फ्रेंड को अपना प्लान बताता है कि हम मेन गेट खुला रहने देंगे और उन्हें अंदर आने के लिए ललचाएंगे। जैसे ही वो करीब आएंगे तभी हम धमाका कर देंगे। फ्रेंड ऐसा ही करता है। वो बाहर लालटेन रख देता है और क्रीचर्स का वेट करना शुरू कर देता है। इधर ग्रूनर अनेरिस को गाना गाने को बोलता है ताकि उसकी आवाज सुनकर उसके साथी उसे बचाने आए। तभी फ्रेंड के बाहर रखी हुई लालटेन बुझ जाती है। वो उसे अंदर ले आता है और दोबारा जलाने की कोशिश करता है जहाँ पीछे से क्रीचर उस पर हमला कर देते हैं। वो बचता हुआ ऊपर ग्रनर के पास पहुँचता है और डायनामाइट चला देता है जिससे काफी सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। ग्रूनर दोबारा ब्लास्ट करता है जिससे लाइट हाउस के पास बिछाए हुए डायनामाइट फटते हैं और धमाके से फ्रेंड और ग्रूनर बेहोश हो जाते हैं। सुबह होने पर पता चलता है कि काफी क्रीचर्स मारे गए हैं और कुछ अभी भी घायल हैं। ग्रूनर घायल क्रीचर्स को मारना शुरू कर देता है और तभी फ्रेंड को एक क्रीचर के गले में एक नेकलेस दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह सब क्रीचर्स एक सभ्यता का हिस्सा हैं और आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। वो ग्रूनर को नेकलेस दिखाता है लेकिन वो उसे समंदर में फेंक देता है। उस रात ग्रूनर फ्रेंड को अनेरिस के बारे में बताता है कि कैसे उसे वो एक जाल में फंसी हुई मिली थी। उसने उसे जाल से छुड़ाकर उसकी जान बचाई थी और तब से वो उसके साथ ही रहने लगी थी। अगली सुबह फ्रेंड बाहर जाता है और उसे समुंदर में दो क्रिएचर्स के बच्चे दिखाई देते हैं। वो वहाँ पत्थरों से एक सर्कल बनाता है और उसमें वो एक बोट रख देता है। रात को दूरबीन से वो उस बोट को देखता है जो अपनी जगह पर ही होती है। ग्रूनर का सामान देखने पर उसे पता चलता है कि वो वही वेदर ऑफिसर है जो मारा गया था। सुबह होती है, वो फिर से उसी जगह जाता है जहाँ वो बोट रखी थी। वहाँ उसे एक छोटा क्रिएचर दिखता है। वो फ्रेंड के पास आने वाला होता है तभी अनेरिस और बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं। वो छोटा क्रीचर उसे बोट देने ही वाला होता है तभी वहाँ ग्रूनर बंदूक लेके आता है और फायरिंग करता है। फ्रेंड उसे समझाता है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और यह भी शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर वहाँ से भाग जाता है और लाइट हाउस में जाके फ्लेयर गन फायर करता है। फ्लेयर छोटे क्रीचर को लगती है और वो मारा जाता है। बाकी क्रीचर्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंड ग्रूनर के पास जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रूनर फ्रेंड को मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड उसे बताता है कि वो उसकी असलियत जान चुका है, कि वो ही पुराना वेदर ऑफिसर है। वो उसे समझाता है कि वो एक कातिल नहीं है और उसे अपनी फैमिली की याद दिलाता है। ग्रूनर को अफसोस होता है और वो प्रायश्चित करने के लिए खुद को क्रीचर्स को सौंप देता है जहां वो उसे मार देते हैं।
आगे सीन में हम देखते हैं कि एक शिप वहां आता है और बताता है कि वो पुराने वेदर ऑफिसर को रिप्लेस करने आया है। शिप का कैप्टन फ्रेंड को ही ग्रूनर समझता है और फ्रेंड भी उसे असलियत नहीं बताता। वो भी वही जवाब देता है जैसे ग्रूनर ने उन्हें दिए थे। वो बताता है कि फ्रेंड एक बीमारी से मारा गया और उसकी बॉडी नहीं मिली। एंड में कैप्टन अपने क्रू से आइलैंड की तलाशी लेने को कहता है ताकि वो फ्रेंड की बॉडी ढूंढ सके। और तभी हम देखते हैं कि अनेरिस आइलैंड छोड़कर समुंदर में चली जाती है ताकि इंसान उनके बारे में ना जान पाए। और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।